नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष यादव और आज आपके लिए ले आया हूं मैं 2022 मॉडल बलिनो अल्फा मॉडल। तो दोस्तों पीछे से आप देख सकते हो किस तरह की है ये गाड़ी, और मतलब इस गाड़ी का ना मैं बहुत तगड़ा फ़ैन हूं, लेकिन ये पेट्रोल वेरिएंट में आती है खाली, इसलिए थोड़ा मेरे को पसंद नहीं है, डीजल के हम दीवाने हैं। और फ्रंट लुक कुछ इस तरह की मिलती है आपको गाड़ी की, और मैं इसको थोड़ा सा दिखाऊं फ्रंट में, तो ये फ्रंट स्प्लिटर है जो कि एसेसरीज़ में आता है और काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब गाड़ी आगे से ना बिल्कुल। और इसकी मेन जो अट्रैक्टिवनेस का मैं बता दूं आपको, ये जो हेडलाइट है ना जो इन्होंने छोटी करी है, पहले क्या था गोल आती थी कुछ यहाँ से ऐसे इस तरीके की ऊपर तक आती थी, तो अब जो इसका शेप कर दिया ना गाड़ी का, और आपको अलग ही फील होगी गाड़ी में बैठते के साथ ही, बिल्कुल प्रीमियमनेस की फीलिंग आएगी। और ये टॉप वेरियंट है और इसमें आपको 16 इंची के अलॉय व्हील मिल जाते हैं विद डायमंड कट फिनिश, और गाड़ी के जो ये कुछ इस तरीके की इसकी की है, की में इन्होंने बिल्कुल खर्चा नहीं किया, पूरी गाड़ी को इनहेंस करने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन की फोब देख सकते हो आप कितना नॉर्मल बेसिक सा है, और ऐसे यहाँ से कीलेस एंट्री भी है, लेकिन ये स्विच ख़राब हो रखा है थोड़ा। और इसका ना ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है यूवी कट ग्लासेस, और यूवी कट ग्लासेस का मतलब कि आपको, मेरे को तो लगता है ये जैसे हम बाहर से देख रहे हैं ना तो ये टिंटेड लगते हैं, मतलब कि ये डोर वाइज़र लगवा लो आप गाड़ी में, और पीछे वाली सीट पे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कि बहुत कम दिखता है। और ग्रीन कलर की शेड आती है जो कि प्रीमियमनेस इन्हेंस करती है। और अब आपको उस साइड से मैं गाड़ी के इंटीरियर और दिखाता हूँ किस तरीके की, मतलब गाड़ी की ना साइड प्रोफाइल देख सकते हो आप, ब्लू कलर में बहुत ही सुंदर लगती है गाड़ी। और ये इसकी जो डोर क्लाइडिंग है कह सकते हो आप, काफ़ी सुंदर है, सारी क्रोम में है, गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। और गाड़ी में अंदर बैठते के साथ ही आपको कुछ इस तरीके का आपको पूरा डैशबोर्ड दिखेगा, जो कि डुअल टोन, डुअल के ट्रिपल टोन कह सकते हो आप। यहाँ पे आपको ब्लू कलर की बेजिंग, ब्लू कलर का इंटीरियर यहाँ पे मिलेगा, ये प्लास्टिक है, और ये पियानो फिनिश में मिलेगा, ये ब्लैक में मिलेगा। और यहाँ से गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे, कुछ इस तरीके का इसका मीटर है, एनालॉग मीटर, आरपीएम, ये आरपीएम, और इसमें इंजन टेम्परेचर की भी रीडिंग आएगी। बीच में आपको जो डिस्प्ले मिलेगी उसमें आपके फ्यूल एफिशिएंसी और काफ़ी चीज़ जो फास्टन योर सीट बेल्ट वगैरह जितने भी वो आएंगे। और ये देखिए 360 कैमरा इसका काम करने लग गया है और काफ़ी साफ है, अच्छा लगता है गाड़ी के हिसाब से, मतलब मारुति इतनी वो हो रखी है ना, मतलब कि हो क्या रखी है, इतनी बदनाम कर रखी है कि ये है वो है, लेकिन अब की बार मारुति वालों ने काफ़ी इसमें इन्हेंसमेंट करी है गाड़ी में, बहुत ज़्यादा फीचर्स दिए। तो राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, स्पीडोमीटर के नीचे आपको फ्यूल गेज का मिलेगा, और बीच में मैं आपको बता ही रहा था फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, रेंज वगैरह दिखाएगा, गियर कौन से गियर में। और ये जो मॉडल है ये आता है आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, और तो दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में AGS गियर सिस्टम के साथ आता है, जो कि मैं आपको चला के दिखाऊंगा, इसमें थोड़ा सा लैग है, मतलब कि जो इसके सेक्शन की गाड़ियां हैं ना, जो कि i20 इसके सेक्शन में आएगी ऑटोमेटिक में, और काफ़ी गाड़ियां जो इसके रेंज में हैं उनमें मेरे को इसमें थोड़ा सा लैग लगा, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा बताऊँगा मैं तो वो भी उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं एक्सपीरियंस की, कि टेस्ट ड्राइविंग किस तरह की रही मेरी बलिनो की। वैसे तो गाड़ी में कोई कमी नहीं है, इसमें देख सकते हो आप जो कि काफ़ी फेमस हुआ था हेड अप डिस्प्ले, इसको दबा के रखेंगे तो यहाँ से हेड अप डिस्प्ले ऊपर आ जाएगी आपकी, और ये देखिए ये आ गया स्टार्टिंग लिखा हुआ हेलो, और यहाँ पे टाइम, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आता है जिसको आप ऐसे बाहर की साइड भी खींच सकते हो, अंदर की साइड भी धक्का सकते हो, और ऊपर नीचे टिल्टेड भी कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब कि फीचर वाइज में कोई कमी नहीं है, अब देखो यहाँ पे जो वाइपर मोड है इसमें रियर का भी आ रखा है और फ्रंट का भी है आपका साथ में। दोस्तों ये यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इधर हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे, ऑटो में रख देते हैं हम गाड़ी को, ऑटो में हेडलाइट ऑन हो जाएंगी अपने आप, रात को जैसे थोड़ा सा अंधेरा होगा वैसे हेडलाइट ऑन हो जाएंगी। पुश स्टार्ट बटन मिलता है आपको इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हो,
और यहाँ पे ये TCS ऑफ करने का भी बटन दिया हुआ है, और ये जो A ऑफ लिखा हुआ है ये इसका फंक्शन, ये भी मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा लगा। ये हाइब्रिड कहते हैं लेकिन हाइब्रिड नहीं, ये आइडियल स्टॉप स्टार्ट बटन है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, अब ये देखिए यहाँ पे ऑफ हो चुका है। अब मैं इसको ऑन कर दूंगा और यहाँ पे न्यूट्रल में ब्रेक लगा के मैं डी पे डाल के और फिर न्यूट्रल करूँगा। अब देखिए ये आ गया ना, इसमें आ गया। देखिए ये ऑन करना होता है, ये हाइब्रिड की वो होती है। अब जैसे मैंने रोक की गाड़ी तो गाड़ी अपने आप ही ऑफ हो गई थी। अब मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने ऑन कर रखा वहाँ से, तो अब गाड़ी मैंने चलाई, अब मान लो आगे रेड लाइट हो गई और ये गाड़ी को मैंने रोका और यहाँ से मैं इसको न्यूट्रल पे किया तो गाड़ी बंद हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो RPM 0 पे जा चुका है। अब रेड लाइट पे मैंने न्यूट्रल कर दिया तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये गाड़ी ऑफ हो चुकी है। अब मैं जैसे ही इसको डी पे डालूंगा ये देखिए स्टार्ट हो गई अपने आप। यहाँ पे मेरा दूसरा हाथ, उसी से मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ और दूसरे से वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडअप डिस्प्ले कैसे काम कर रही है, फास्टनिंग और सीट बेल्ट लिख के आ रहा है। और ये मतलब कि ना जो ड्राइवर बैठता है उसके हिसाब से सेट होती है। जैसे मैं कैमरा ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि यार ये 30-36 जो हेडअप डिस्प्ले में वो आ रही है स्पीड, वो अलग आ रही है। तो जैसे अब मैंने गाड़ी यहाँ पे रोक दी और अब गाड़ी अपने आप बंद हो चुकी है। मैं जैसे ही न्यूट्रल पे डाली और फिर डी पे डालूंगा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है कुछ हाइब्रिड इन्होंने अपना डाला है और ये 360 व्यू के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ये आ गया फ्रंट का, हाँ फ्रंट है, और ये फ्रंट और साइड, और ये पूरा फ्रंट, और ये आ गया 360 इसका पूरा। ये आपका फ्रंट है और साइड का सारों का दिखा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट लाइन जो है वो यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रही है। काफ़ी मतलब कि क्वालिटी वाइज इन्होंने बहुत ही वो डाला है, अपना पूरा दिया है, 100% दिया है मारुति ने, बहुत अच्छा किया। और ये सकते हो ऑटो डिमिंग ORVM दिया हुआ है, यहाँ से आप ऑटो बंद कर सकते हो। ये रात में फंक्शनेबल होता है, जो पीछे की लाइट होती है उसको डिम कर देता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। और यहाँ पे आपकी कैबिन लाइट्स मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे भी आपको लाइट के साथ मिरर मिल जाएगा, लाइट के साथ आपको मिरर मिल जाएगा और सनवाइज़र में। और गाड़ी में काफ़ी मतलब स्पेसियस लगी मेरे को, और मतलब कि मारुति के हिसाब से ना काफ़ी स्पेसियस गाड़ी है। और यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स, USB चार्जर, 1200 का वो किट, और यहाँ पे AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको मैनुअली। और ये ना थोड़े से उस तरीके के कर दिए हैं, एयरक्राफ्ट स्विचेस टाइप में लगा दिए हैं इसमें, जो कि एयरक्राफ्ट वगैरह में ऐसे आते हैं। और यहाँ पे आपको 9 इंची का एप्पल एंड्रॉयड कनेक्टिविटी वाला ऑडियो सेटअप मिल जाएगा, पूरा म्यूज़िक सिस्टम मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट्स का स्विच मिल जाएगा। हेडअप डिस्प्ले का मैंने आपको बता ही दिया, ये टॉप वेरिएंट है, इसी में ही ये हेडअप डिस्प्ले आती है। अब मैं पीछे जाकर आपको स्पेस दिखाता हूँ कि कितना स्पेस है अगर हम बैठते हैं तो पीछे की साइड से। भाई स्पेस तो इतना है, मैं क्या कहता हूँ, एक बिलांद पूरा, मतलब कि आप देख सकते हो कितना स्पेस है, 6-7 उंगलियों का स्पेस है पूरा, और मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा हूँ। और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट्स भी मिल जाएंगे, C2C वाले चार्जिंग सॉकेट, एक साइड में C2C है और दूसरी साइड में USB वाला है चार्जर। और यहाँ पे आपको AC वेंट भी मिल जाएगा पीछे, और सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, पीछे की साइड पूरा स्पेस है। और ना आपको 4 स्पीकर्स भी मिलेंगे, 2 फ्रंट में 2 रियर में, और इनके ट्विटर भी यहाँ पर मिलेंगे आपको। और मैं आपको बता दूं, ये जो आप कलर देख रहे हैं ये ब्लू कलर में है इंटीरियर इसका। पीछे की साइड में आपको यहाँ पे लेदर फिनिश टाइप में मिलेगा, यहाँ पे आपको पियानो फिनिशिंग मिलेगी पूरी गाड़ी में, और काफ़ी सुंदर गाड़ी है। और पीछे का स्पॉइलर भी मिलेगा आपको, और जो ये अल्फा मॉडल है इसमें आपको यहाँ पे क्रोम की क्लाइडिंग मिलेगी विद वाइपर, और यहाँ से आपका पानी आएगा पूरा। और ये कैमरा की प्लेसमेंट है यहाँ पे, और आपको बाहर से ही स्विच मिल जाएगा बूट स्पेस खोलने के लिए। और बूट स्पेस मैं दिखा दूँ आपको, काफ़ी बूट स्पेस है, अच्छा बूट स्पेस है इसमें।
339 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा आपको, और बहुत काफ़ी है ये, मतलब कि आप देख सकते हो गहराई देख सकते हो गाड़ी की। यहाँ पे आपको इसका स्पेयर व्हील और आपके सारे हाँ टूल सारा यहाँ पे मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छी मतलब कि पीछे की बूट स्पेस है। और इस चीज़ का ना मैं आपको बता दूँ, इन्होंने देखो जो पीछे की ब्रेक लाइट्स है ना, इसमें तीन ये LEDs के वो दे रखे हैं कंपार्टमेंट से, इसी तरीके का इसमें हेडलाइट में भी कर रहा है। सेंसर का एक ऑप्शन और मिल जाता है। यहाँ पे आप बैठेंगे और यहाँ से आप पूरी फील लेंगे गाड़ी का। गाड़ी मतलब कि एक तरह से ये गाड़ी पड़ती है गुड़गड़े 11 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ती है, तो उस हिसाब से आज की महंगाई और सब कुछ देखते हुए मतलब कि कुछ लाख एक रुपए का तो फ़र्क दिख रहा है मेरे को, लाख रुपए थोड़ी सी एक्सपेंस है, लेकिन अगर आप इतने फीचर्स लेते हो एप्पल एंड्रॉयड कनेक्टिविटी के साथ टच डिस्प्ले वाला म्यूज़िक सिस्टम विद हेड अप डिस्प्ले और 360 कैमरा भी मिल रहा है आपको, तो उस हिसाब से गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। और अब देखो प्रैक्टिकल की बात बता दूं, अब गाड़ी ये जो है ये शोरूम की गाड़ी है, तो आपको फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हो किस किस बंदों के पास रहती है, मतलब कि अब जैसे मैंने मंगा ली गाड़ी तो मेरे को 14 की एवरेज दिखा रही है, तो मैं तो सूट के लाया हूँ गाड़ी को भगा के लाया हूँ, तो मेरे को इतने की मिल रही है। तो अब हर एक बंदा अपने अपने तरीके से चलाता है, तो गाड़ी कुल मिला के अच्छी एवरेज दे रही है। दोस्तों ये थी एक छोटी सी रिव्यू वीडियो बलिनो की। दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।